नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ चुके हैं। कर्नाटक की जनता ने सत्ताधारी गठबंधन कांग्रेस जेडीएस को दिवाली का तोहफा दिया है। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बेल्लारी और जामखंडी में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं मंड्या लोकसभा और रामनगर में जेडीएस ने जीत दर्ज की है। बेल्लारी, शिमोगा और मंड्या लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो इनमें से बेल्लारी, शिमोगा सीट बीजेपी के कब्जे में थी, जबकि मंड्या सीट जेडीएस के पास थी। लेकिन अब आए चुनावी नतीजों में बीएस येदुरप्पा के बेटे राघवेंद्र येदुरप्पा शिमोगा सीट से जीत हासिल कर सके हैं, जबकि बेल्लारी सीट बीजेपी के हाथों से छीनी जा चुकी है। बेल्लारी लोकसभा सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता श्री रामल्लू सांसद थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हुए उपचुनावों में पार्टी ने उनकी बहन शांता को प्रत्याशी बनाया था। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार वीएस उग्रप्पा ने करारी मात दी है। मांड्या लोकसभा से जेडीएस उम्मीदवार एलआर शिवारामे गोड़ा ने जीत हासिल की है। रामनगर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी ने जेडीएस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की है। अनीता कुमारस्वामी को 1,25,043 वोट मिले हैं। ये सीट कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। जामखंडी विधानसभा सीट से कांग्रेस आनंद नियामगोड़ा ने जीत हासिल की है। आनंद नियामगोड़ा को 97,017 वोट मिले हैं। ये सीट सिद्धू भीमप्पा नियामगोड़ा कांग्रेस विधायक के निधन हो जाने के बाद से खाली हुई थी। बेल्लारी लोकसभा सीट से कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा को 5,54,139 वोट मिले हैं। मांड्या लोकसभा सीट से जेडीएस के शिवराम गोड़ा को 5,53,374 वोट मिले हैं। वहीं शिमोगा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राघवेंद्र को 52,148 वोटों से जीत मिली है। आपको बता दें कि कर्नाटक के उपचुनाव में इन 5 सीटों पर शनिवार को 67% वोटिंग हुई थी, जिसमें 31 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें बीजेपी के 5, कांग्रेस के 3, जेडीएस के 2 और 21 निर्दलीय उम्मीदवार थे। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन और बीजेपी के लिए इस उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी चारों खानों चित नजर आ रही है। कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने 4 सीटें अपने पाले में कर ली हैं और मात्र 1 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। उपचुनाव में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की जीत पर कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि ये चुनाव पहला कदम था। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर सभी 28 सीटों को जीतना है। लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन इस जीत पर हमें अहंकार नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का कहना है कि कर्नाटक में 4-1 से जीत को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने टेस्ट सीरीज जीत ली हो। गठबंधन ने ये सब कुछ कर दिखाया है। वहीं पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने कहा है कि उपचुनावों में जीत कर्नाटक की जनता की ओर से कांग्रेस और जेडीएस को दिवाली का तोहफा है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों से 2019 के लोकसभा चुनाव के संभावित नतीजों की झलक दिखती है। आप देख रहे थे एनआईएन का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।